हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अवर न्यू सेशन। ठीक है, जहाँ पे हम लोग नेटवर्क का जो ट्रांजेंट वाला पार्ट है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी लोग सेशन को ज्वाइन कर लिए हैं एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। जितने भी लोग सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे कि क्या मुझे सभी लोग प्रॉपरली सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। चलो, अगर सभी लोग मुझे प्रॉपरली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी लोग के लिए मैं एक मिनट और वेट कर लेता हूँ, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा, है ना? ठीक है, बाकी लोग फिर अगर लेट आते तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो अवेलेबल। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरएल सर्किट पे फोकस करते हैं और उसको समझते हैं। तो आप लोग यहां पे हेडिंग पुट करना, क्या करना है आपको, ऑर्डर हेडिंग डालना आप लोग यहां पे सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट। अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट की, तो इसमें अगर हम बात करें एनालॉग कल से देखते हैं, एनालॉग कल से भी लगा लेंगे। एनालॉग में कितना, अगर प्रीवियस वाला सेशन देखना है तो हमारा ओपैम बचा है, 3 से 4 क्लास अपन लंबी लंबी लगाएंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी बड़ी बात नहीं है, वो भी हो जाएगा। चलो अभी चला जाओ, पहले भी इस पे फोकस लगाते हैं। तो क्या बोला हम, क्या किस पे डिस्कस कर रहे हैं, सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट पे। तो एक बात ध्यान देना, जब कभी भी हम लोग आरएल सर्किट पे रहेंगे ना, कैसा सर्किट हमारे पास, आरएल सर्किट, तो क्वेश्चन में कुछ भी क्यों ही ना पूछा जाए हमसे, क्वेश्चन में भले ही क्यों कुछ भी ना पूछा जाए, हमारे पास सर्किट कैसा, आरएल सर्किट है। क्वेश्चन पूछ ले वी ऑफ टी, पी ऑफ टी, आई ऑफ टी, कुछ भी पूछे, रजिस्टर में करंट क्या, रजिस्टर में पावर कितना, रजिस्टर में वोल्टेज क्या है, कुछ भी पूछे उस पे ध्यान मत दो, आपको सीधा निकालना है आई ऑफ टी। किस पे निकालना है, आई ऑफ टी। क्वेश्चन में कुछ भी पूछे सबसे पहले आपको निकालना है आई ऑफ टी। ये आई ऑफ टी क्या है, करंट थ्रू द इंडक्टर। ये आई ऑफ टी यहां पे क्या है आपके पास, करंट थ्रू द इंडक्टर। ठीक है, क्या निकालना है आपको यहां से पहले, करंट थ्रू द इंडक्टर। ठीक है, क्या बोला मैंने, सर्किट कैसा भी क्यों ही ना दिया गया हो, कैसा भी दिया गया हो, आपको सबसे पहले निकालना आई ऑफ टी। और आई ऑफ टी की वैल्यू, यहां पे एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन मैं स्किप कर रहा हूं। उस आई ऑफ टी की वैल्यू होती है क्या, उस आई ऑफ टी की वैल्यू होती है आई ऑफ टी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ये आपका होता है एक्सप्रेशन, क्या होता है आपका एक्सप्रेशन, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। अब पहले तो सबसे पहले इसको याद करो, अभी के अभी याद करना है, और मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पे आई नॉट क्या है, आई नॉट है आपका इनिशियल करंट। इस आई नॉट को हम बोलते हैं आपका क्या, आई जीरो माइनस, या फिर हम इसको बोलते हैं आपका इनिशियल करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल करंट, मतलब कि स्विचिंग के पहले जो करंट होगी टी इक्वल टू जीरो माइनस पे, उसको हम बोलते हैं आपका इनिशियल करंट। ठीक है, फिर एक नया टर्म इसमें और क्या है, आई नॉट निकलना, और टाउ, टाउ होता है आपका टाइम कॉन्स्टेंट। टाउ क्या होता है आपके पास यहां पे, टाइम कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट का वैल्यू होता है आरएल सर्किट के लिए, वो आपको याद रखना है एल बाय आर, याद रखना है जिंदगी भर कि हमारा टाउ का जो एक्सप्रेशन होता है, जो वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, एल बाय आर होती है।
क्या इतना सभी को याद हो गया? क्या इतना सभी को याद हो गया? क्या क्या बताया मैंने कि हमारे पास जो सर्किट होता है कैसे होता है, सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट होगा, ठीक है। इस आरएल सर्किट में हमसे कुछ भी क्वेश्चन में क्यों ही ना पूछा जाए, हम हमेशा आई ऑफ टी निकालेंगे। आई ऑफ टी क्या होता है? इंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है हम उसको आई ऑफ टी बोलते हैं, ठीक है। और रही बात आई ऑफ टी की वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखना आई ऑफ टी की वैल्यू होती है आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। आई नॉट यहाँ पे क्या है, इनिशियल करंट। हमको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिए होंगे, सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट दिए होंगे, हमें उस क्वेश्चन को देख के हमें आई नॉट निकालना है, हमें टाउ निकालना है, और इस फॉर्मूले में जाके पुट कर देना। एक्सप्रेशन क्या है, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, ठीक है। ओके चलो। अच्छा कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर ये टाउ का मतलब होता है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग ये समझना। जैसे मान लो, समझना सभी लोग, एज्यूम करना, जैसे मान लो मेरी टाइम की एक्सेस है, बिल्कुल टाइम की एक्सेस है सर। आपने स्विच का जो ऑपरेशन किया वो टी इक्वल टू जीरो पे किया, मान लिया मैंने, तो मैंने भी मान लिया टी इक्वल टू जीरो पे स्विच का ऑपरेशन किया। मान लिया मेरे पास कि सोर्स फ्री सर्किट है, मतलब कि पहले कुछ ना कुछ करंट रही होगी। ऐसे मान लो पहले कितनी करंट थी आपके पास, आई नॉट करंट रही होगी, ठीक है। लेकिन जैसे स्विच ऑपरेट हुआ तो ये करंट धीरे डिक्रीज होगी, कैसे, एक्सपोनेंशियल। क्यों कहते हैं आप एक्सपोनेंशियल, फंक्शन क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल ई आ रहा, मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है वो करंट का, वो यहाँ पे डिक्रीज होगा धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली। तो मान लो यहाँ पे आई नॉट, मान लो 2 मिनट के, समझ लो आई ऑफ टी का ये प्लॉट है, एज्यूम करो नंबर यहाँ पे ये कितना आपका 100%, कितना ही 100 वोल्ट है, ये 100 एम्पीयर, कितना करंट आपका ये 100 एम्पीयर। तो करंट धीरे डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसा टाइम यहाँ कहीं पे आएगा जब ये डिक्रीज होते होते कितना करंट बन जाएगा, बन जाएगा आपका कितना, 36.63। कितना, 36.63 करंट जब पहुंच जाएगी, उस टाइम को हम बोलते हैं आपका टाइम कांस्टेंट। मतलब टाइम कांस्टेंट वो समय है जहां पे आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स अपनी फाइनल वैल्यू का कितना पहुंच जाए, 36% पहुंच जाए, या फिर सॉरी अपनी फाइनल वैल्यू का 63% पहुंच जाए। जैसे इसको जाना कहां था, जीरो, तो वहां 1 से 100 से चलना स्टार्ट किया, और कितना नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट ये 63% नीचे आ चुका है, या फिर 36% ऑफ इनिशियल वैल्यू। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, जीरो, तो अपनी इनिशियल वैल्यू का 36% पहुंच गया है, या फाइनल वैल्यू का 63% पहुंच गया है, उस समय को बोलता हूं टाइम कॉन्स्टेंट। एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्या, स्मॉल टी टाइम है, स्मॉल टी क्या है, टाइम। एक्सप्रेशन रहता ना कि साइन टी कॉस टी, वो वाला टी है, टाइम वाला टी है, ठीक है। वो तो एक्सप्रेशन में टी का टी ही रहेगा, वहां पे उसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम, हमेशा आई नॉट और टाउ की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है चीज, टाइम कांस्टेंट को इमेजिन कर लिया आप लोग। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट वो समय है जहां पे सिस्टम का रिस्पॉन्स अपनी फाइनल वैल्यू का, वो एक्सप्रेशन होता है, मैं बताता हूं, बताता हूं, बताता हूं। देखो अगर इस एक्सप्रेशन पे मैं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में इस टी की जगह क्या पुट कर दूं, टाउ पुट कर दूं। देखो अगर मैं आई ऑफ टी में, आई ऑफ टी का जो एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे क्या, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, तो अगर मैं यहाँ पे क्या एज्यूम करता हूँ, टी इक्वल टू टाउ एज्यूम कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस टाउ बाय टाउ हो जाएगा, टाउ बाय टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की इनवर्स आई नॉट। इसको जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपका, ये ऑलमोस्ट आपका 60.6 ही कुछ आएगा। सॉल्व कर देखो कैलकुलेटर में कितना आता है, ई का इनवर्स कितना आएगा, एक बार चेक करके बताओ मुझे कैलकुलेटर में, कोई ई का इनवर्स, मतलब ई का इनवर्स अगर आप करोगे कैलकुलेटर में, कोई चेक करके बताओ कितना आता है। बताइए सभी, क्या होगा बताइए।
कैलकुलेटर रखे हो कि नहीं रखे हो? मेरे पास इसमें कैलकुलेटर रहता तो है, कीबोर्ड में देखता हूँ मैं, इसमें ई का फंक्शन नहीं रहता होगा ना? अरे मेरे पास मोबाइल भी तो है, मोबाइल में होगा ना कैलकुलेटर? आप लोग के भरोसे थोड़ा ना बैठा हूँ मैं, मेरे मोबाइल में भी कैलकुलेटर है। अरे बाबा, इसका प्रीमियम वर्जन आ गया क्या कैलकुलेटर का? ई कहाँ पे है? कॉस इनवर्स हो गया मेरा ये तो। अरे ठीक है, पावर आ गया। बताओ यार आप लोग कैसा करते हो यार? जीरो पॉइंट 36% आ गया ना साहब, समझ में आ गया भाई कहाँ से आ रहा है ये 36% कहाँ से आया? ठीक है, 0.3678 आ गया ना, तो वहां से आता है 36%। ठीक है चलो, तो लिखना है यहाँ पे 2 मिनट, 2 लाइन लिखना। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम, एक लाइन लिखिएगा यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम, मतलब टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? जब वो टाइम है तो क्यों क्या होगी? सेकंड होगी। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम वेयर सिस्टम रिस्पॉन्स वेयर सिस्टम रिस्पॉन्स रीचेस टू सिस्टम रिस्पॉन्स रीचेस टू 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू और 36% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, टाइम कांस्टेंट वो समय है जहां पे सिस्टम का रिस्पॉन्स आपका इनिशियल वैल्यू का या तो 36% पहुंच चुका है या फाइनल वैल्यू का। सर दिस डिफिनेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर कैपेसिटर, बिल्कुल यही डिफिनेशन आपकी कैपेसिटर के लिए भी सेम है, लेकिन वहां पे टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला अलग हो जाए। यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है वो एल अपॉन आर है, वहां पे जो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा वो हो जाता है आपका आर इंटू सी। क्या हो जाएगा वहां पे फॉर्मूला आपका? आर इंटू सी। चलो तो ये आपका किसके लिए फॉर्मूला हो गया? फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरएल सर्किट का फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला आपका? आई ऑफ टी इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्यों हमारा क्या बचा है? सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट। सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या? सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट हो गया। इसमें आपको याद रखना है, जब हमारे पास ये कैसा सर्किट है? आरसी सर्किट। जब ये हमारे पास आरसी सर्किट है, क्वेश्चन में कुछ भी क्यों ना ही पूछा गया हो, कुछ भी पूछा गया हो, करंट पावर वोल्टेज कुछ भी पूछा गया हो, आपको निकालना क्या होगा? वी ऑफ टी। उसके बाद ही आप दूसरी निकालोगे, पहले क्या निकालना होगा आपको? वी ऑफ टी। और वी ऑफ टी यहाँ पे क्या होगा आपका? कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। ये वी ऑफ टी यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये क्या होगा आपका? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है,
ओके और इसकी वैल्यू क्या होगी, v ऑफ t इक्वल टू हो जाएगा v ऑफ t इक्वल टू, जैसे ये वाला फॉर्मूला आपको याद था ना वैसे यहाँ पे हो जाएगा v ऑफ t इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस t बाय टाउ, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका v नॉट क्या है, जैसे i नॉट में i नॉट क्या था इनिशियल करंट, वैसे ही यहाँ पे v नॉट आपका क्या हो जाएगा, आपका वी जीरो माइनस जिसको हम बोलते हैं आपका इनिशियल वोल्टेज। और आपका जो टाउ होगा वो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू टाउ आपका हो जाएगा यहाँ पे एल अबाय, यहाँ पे हो जाएगा टाउ कितना आर इंटू सी, क्योंकि आरसी सर्किट है तो यहाँ पे टाउ हो जाएगा टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन सेम रहेगा जो मैंने ऊपर लिखा है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आर इंटू सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या आर इंटू सी। ठीक है, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन में निकालना होगा क्या वी नॉट और टाउ। सर फाइनल वैल्यू क्यों, इनिशियल वैल्यू होगा तो समझा नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में समझा नहीं साहब आप क्या बोलना चाह रहे हैं। फाइनल वैल्यू क्यों इन, अच्छा आप डेफिनेशन की बात कर रहे हैं क्या, जो मैंने डेफिनेशन लिखा है आप रिस्पांस को देखो आपका आंसर पता चल जाएगा, जो मैंने यहाँ पर रिस्पांस बनाया है आप 100 पे हैं, 100 से आप कितना नीचे आ रहे हैं 36%, सॉरी 100 से आप कितना नीचे आ रहे हैं 63%, मतलब फाइनल वैल्यू का 63%, और इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी जीरो थी, तो उसका क्या हो जाएगा आप पे 36%। ठीक है चलो, अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है टाइम की यूनिट क्या होती है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सभी लोग बताना टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो टाउ की यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी, क्योंकि मुझे पता है टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो मेरे टाउ की वैल्यू की रीडिंग क्या, टाउ का जो मेरा वो होगा यूनिट वो क्या हो जाएगा सेकंड हो, क्योंकि टाउ भी एक टाइम ही है, मैंने डेफिनेशन बोला ना टाइम कांस्टेंट इज द टाइम, मतलब टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी आपकी टाउ होगी। टाइम कांस्टेंट मतलब टाउ की यूनिट क्या होगी आपकी सेकंड होगी। अभी मैं आपको 5 मिनट में जो भी चीजें बताने वाला हूं उससे आपके नेटवर्क में आज तक की हिस्ट्री में 15 से 20% क्वेश्चन बन चुके। कैपेसिटर का ग्राफ दिखाइए, दिखा देंगे थोड़ा सा रुक जाओ ना, थोड़ा मैं क्वेश्चन ओरिएंटेड चीजें बता दूं फिर जो बाकी चीजें हैं वो अपन देख लेंगे। ठीक है साहा, ऑलमोस्ट ऐसे ही बनेगा, बस वहां पे वोल्टेज आ जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, और अगर आप बोल रहे हैं तो एक काम करेंगे ना, घबराइए मत, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसी एक क्वेश्चन को हम प्लॉट कर लेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन है ना ये इसमें इसमें सारी चीजें बन सकती है, इसमें हम फंक्शन भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीजें मैं करके दिखा दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो चीजें हम और प्रैक्टिकल वे में देख पाएंगे। अभी तो मैंने आपके सामने डेरिवेशन पार्ट भी स्किप किया है क्योंकि तो उसका कोई मतलब है नहीं, निकलना आपका आंसर यही था तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। ठीक, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि रजिस्टर की यूनिट क्या होती है, सही है कैसी बात कर दी यार आपने, रजिस्टर की यूनिट क्या होगी, रजिस्टर की यूनिट होती है सब, कैसी बात कर रहे हो, ओम होती है और क्या होगी, ओके इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, तो कैसी बात कर रहे हो, हेनरी होती है यार, फिर बात आती है सर कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, सर कैसी बात कर रहे हो यार, कैपेसिटर की यूनिट होती है आपकी फैरेड। फिर
फिर बात आती है सर, अगर मैं आर और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, आर सी इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होगी आपकी सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी सेकेंड, क्योंकि आर इंटू सी क्या होता है? टाइम कांस्टेंट, पता नहीं कितने पहले कराया मैंने, है ना? आर इंटू सी आपका क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है, लिखा मैंने, और टाइम कांस्टेंट क्यों होती है सेकंड, तो आर सी की यूनिट हो जाएगी आपकी सेकंड। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि एल अपॉन आर इसकी यूनिट क्या होगी, तो क्या बोलोगे? इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा आर अपॉन एल कितना होगा, तो बता सकते हो कितना होगा? इसकी यूनिट क्या होगी? आर बाय एल की यूनिट क्या होगी? ये हो जाएगा आपका हर्ट्ज, क्यों? बराबर सेकंड इनवर्स, है ना? वन अपॉन टाइम क्या होता है? वन अपॉन टाइम होता है आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन टाइम। तो अगर आप टाइम को रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या बन जाएगा आपको? वो हर्ट्ज बन जाएगा। तो आपका आर बाय एल होता है यहाँ पे हर्ट्ज, ठीक है? चलो एक यहां से क्वेश्चन बनता है, वो देखना, मैं बताता हूं। आपसे क्वेश्चन बनता है कि सर मेरा यहां पे आर स्क्वेयर सी इसका यूनिट क्या होगा? तो इसको कैसे निकाल लोगे मैं बताता हूं। देखो आपको ये पता है कि सर एक चीज हमको पता है, आर सी इक्वल्स टू क्या होता है? आर सी इक्वल्स टू होता है एल अपॉन आर, क्योंकि दोनों ही यूनिट क्या है आपकी? सेकंड सेकंड है। तो अगर इस आर को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये आर स्क्वायर सी, इधर एल अकेला बचेगा, और एल की यूनिट होती है आपकी हेनरी, तो आर स्क्वायर सी की यूनिट हो जाएगी आपकी हेनरी। डाउट आया? बोलो डाउट आया, बोलो सभी लोग जल्दी से, ये डाउट आया। क्या बोला मैंने कि हमारे पास आर सी इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है, क्यों? दोनों की यूनिट सेकंड, दोनों को मैंने एक बराबर मान लिया। तो अगर मैं आर को इधर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा? राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आर स्क्वायर सी, तो राइट हैंड पे क्या बचा? एल। एल की यूनिट क्या होती है आपकी? एल की यूनिट होती है आपकी क्या? हेनरी। तो आपका बन जाएगा आर स्क्वायर सी बराबर एल, उसकी यूनिट हो जाएगी आपकी हेनरी। ठीक। अब अगर आपसे पूछूं मैं यहां पे कि L बाय आर सी की यूनिट क्या होगी? L बाय आर सी, L बाय आर सी की यूनिट क्या होगी? तो कैसे करोगे? देखो आर सी इक्वल टू L बाय आर होता है, अगर इस C को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? L अपॉन आर सी, तो यहां बचेगा सिर्फ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है क्या आपकी? ओम, है ना? आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। एक मिनट रुकेगा आप लोग। हेलो, हाँ बढ़िया सर, कैसे हैं आप? अभी क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ आपको कॉल, है ना मैं? ओके ठीक। तो एल बाय आर सी की यूनिट हो जाएगी आपकी ओम। ओके तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास कि सर हमारे पास एल बाय आर स्क्वेयर की यूनिट क्या होगी? एल बाय आर स्क्वेयर, अब तो आपको समझ में आ गया हो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मेन तो कॉन्सेप्ट का था, तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया। तो आपको पता है आर सी इक्वल टू एल बाय आर होता है, तो अगर मैं यहां से, है ना, क्या कर दूं, इस आर को नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगा? एल बाय आर स्क्वेयर। तो यहां क्या बचेगा? सिर्फ सी, और उसकी यूनिट हो जाएगी आपकी क्या? फैराड। ठीक है, फिर एक और होता है आपके पास, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या आर सी अपॉन एल, आर सी अपॉन एल मतलब यहां पे क्या है? आर सी है, अगर इस एल को मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा पास? वन अपॉन आर हो जाएगा आपका मो, कंडक्टेंस क्यों हो जाएगी आपकी मो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं
अंडर रूट एल बाय सी की यूनिट क्या होगी? अंडर रूट एल बाय सी, इसकी यूनिट क्या होगी? तो क्या बोलोगे? एल देखो, आप क्या करो, इस आर को इधर ले जाओ तो आर स्क्वायर हो जाएगा, सी को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एल अपॉन सी। आर कितना हो जाएगा? अंडर रूट एल बाय सी, तो अंडर रूट एल बाय सी बराबर क्या है, आर, तो यहां पर हो जाएगा आपका ओम, है ना। इस वजह से आपने देखा भी होगा पावर सिस्टम वगैरह में, जब हम लोग क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस निकालते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल बाय सी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास एल बाय आर स्क्वायर सी, इसकी क्या यूनिट होगी, तो क्या बोलोगे? एल बाय आर स्क्वायर सी, इसकी क्या यूनिट होगी, तो क्या बोलोगे? इसकी यूनिट हो जाएगी क्या, मतलब एल बाय इस आर सी को पूरा नीचे के लेके आ जाओ, तो इधर क्या बन जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर सी, एल अपॉन आर स्क्वायर सी, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे वन, और वन आपका क्या यहाँ पे यूनिट लेस है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, चलिए चलो, अब हम लोग सीखते हैं यहां पे कि हमारे पास जब क्वेश्चन दिया होगा तो हम उसमें टाउ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा अब मेन अप्रोच होगा, देखो मैंने क्या बताया, सर इसका कंक्लूजन बता दीजिए, इसका कंक्लूजन यही है अभी तक जो मैंने बताया कि ये तो दो, ये कंक्लूजन, ये तो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे हमने कराया ना, क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, जितने भी मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिए वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। पहले अभी तक मैंने आपको जो बताया उससे आपको क्या क्या चीजें समझना है, मैंने अभी तक आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरएल सर्किट केस में कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जाए आप हमेशा निकालेंगे आई ऑफ टी, और उस आई ऑफ टी की वैल्यू होगी या फॉर्मूला होगा आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। आई नॉट यहाँ पे इनिशियल करंट है, वो अभी अंकित सर आज नहीं तो कल की क्लास में बताएंगे कि कैसे हमको इनिशियल करंट निकालना होता है। टाउ क्या होता है, वहां पे टाइम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है एल अपॉन आर, वो मैं अभी थोड़ी देर से आपको बताऊंगा कि टाउ हम कैसे निकालते हैं, है ना। हमको फर्स्ट ऑर्डर में जो मैंने अभी तक बताया उसमें दो ही चीजें निकालनी होती हैं, तीन चीजें निकालनी होती है, एक तो टाउ, दूसरा आई नॉट, और दूसरा तीसरा वी नॉट। ये तीन चीजें निकाल लेंगे हमारा पूरे के पूरे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पहले सीखने वाले हैं यहाँ पे टाउ निकालना। ये तो मैंने आपका किसके बारे में बताया, आर एल सर्किट के बारे में। अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरसी सर्किट है तो मैं हमेशा क्या निकालूंगा यहाँ पे, वी ऑफ टी निकालूंगा। वी ऑफ टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। वी नॉट यहाँ पे क्या, इनिशियल वोल्टेज है, मतलब स्विचिंग के जस्ट पहले का वोल्टेज। टाउ यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट है, और उस टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू सी, वहां पे था एल अपॉन आर, यहाँ पे था आर इंटू सी। ठीक है, तो इतना आपको अभी तक याद रखना है या समझना है जितना मैंने आपको बताया, उसका कंक्लूजन ये हो गया। अब मैं आपके पास आता हूँ किसमें, टाउ निकालने की प्रोसेस, जो आपके सामने कोई सर्किट दिया होगा उसमें पूछा जाए कि इसका टाउ कितना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन का टाइम कॉन्स्टेंट कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, कुछ भी नया नहीं, नया हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, स्टेप टू कैलकुलेट टाउ। हम लोग यहां पे देखने वाले हैं कि हम कैसे टाउ निकालते हैं, उसका स्टेप्स। स्टेप्स टू कैलकुलेट टाउ, हम टाउ कैसे निकालेंगे उसके स्टेप्स को देखिए।
सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा टाउ निकालने के लिए वो ये होगा कि सबसे पहले तो हमको स्विच को ऑपरेट करना है, जस्ट ऑपरेट द स्विच। पहला हमारा स्टेप होगा स्विच, अगर क्लोज हो रहा तो क्लोज करो, ओपन हो तो ओपन हो रहा है, जैसा भी स्विच परफॉर्म हो रहा उसको परफॉर्म कर दो, जस्ट ऑपरेट द स्विच। पहला हमारा स्टेप होगा जस्ट ऑपरेट द स्विच। सबसे पहले आप क्या करना होगा, स्विच को बस ऑपरेट करना है बस। सेकंड आपका ऑप्शन होगा, सेकंड चीज होगा कि आपको वहां पे क्या निकालना है, उतना करने के बाद आपको क्या निकालना है, जो आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा, एल होगा या सी होगा, उसका आपका इक्वलेंट निकालना है। कैलकुलेट इक्वलेंट ऑफ आर इक्वलेंट या फिर एल इक्वलेंट या सी इक्वलेंट। कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट यहां पे आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इक्वलेंट। आपको ये निकालना है एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का क्या निकालना है, आपको इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब आपको यहाँ पे एल इक्विवेलेंट निकालना है या फिर आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, घबराइए मत, क्वेश्चन तो कर सॉल्व कर दिखाऊंगा ना मैं, तो घबराने की बात नहीं। सर कैसे निकालना है, अरे वही दो रेजिस्टर सीरीज में होंगे, दो कैपेसिटर पैरेलल में होंगे, तो क्या उनका इक्विवेलेंट होगा, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पे क्या आर इक्वलेंट निकालना है। क्या निकालना है आपको, आर इक्वलेंट, लेकिन किसके क्रॉस निकालना है, आर इक्वलेंट निकालना आपको, कैलकुलेट आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट अक्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है, अक्रॉस एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, जो आपके एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं एल और सी, उसके अक्रॉस उसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे आप आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे, इतना आपने कर लिया, इतना आपने कर लिया तो क्या करना फिर, अगर सर्किट आर एल है तो आपका टाउ कितना हो जाएगा, एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा आपका, एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। और अगर आपके पास सर्किट यहां पे दिया है क्या आर सी, तो आपका वहां पे टाउ हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू आर इक्वलेंट इंटू सी इक्वलेंट। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज्यादा स्टूडेंट तो आए नहीं हैं, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना चाहिए, अदरवाइज वो कल समझ में नहीं आएगा। इतने से ट्रांजेंट का वो वेट कर रहे थे पर अभी क्लास में नहीं आए हैं, नींद लग गई होगी, थक गए होंगे, तो ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बात होती है विल पावर, है ना, एग्जाम कुछ चीजों से निकलते हैं, एग्जाम आपको क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे निकलेगा क्या आप लोगों का, एग्जाम इससे नहीं निकलता जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम निकलता है कि आप एग्जाम निकालना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, विल पावर आपके अंदर एग्जाम निकालने की भूख है या नहीं है, अगर है तो आप हार्डवर्क करेंगे, हार्डवर्क में मैं आपकी हेल्प करूंगा तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आपके पास विल पावर नहीं है तो फिर आप 1.5 घंटे में सेचुरेट भी हो सकते हैं, है ना, लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं पढ़ाई के लिए। आप मुझे ये बताओ, आप सभी लोग अभी 20 25 25 की एज के तो हो गए, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, 25 की एज के भी हो, तो उससे ज्यादा भी हो सकता है उसके आसपास कहीं पे हो, आपने इस 25 साल में क्या किया, आपने अपने लाइफ का 60 ईयर्स अगर मैं एवरेज लाइफ मानता हूँ, 60 साल अगर हम एवरेज लाइफ मानते हैं, 70 भी मान लेते हैं, तो उसमें से हमने हाफ लाइफ तो जी ली, आपने तक क्या किया अपनी लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई, क्या किया, पढ़ाई करी, केजी उनमें क्लास गए, 1 साल केजी पढ़ा,
फर्स्ट क्लास पढ़ा 1 साल, 2 साल दूसरी पढ़ा है ना, थर्ड क्लास को 1 साल पढ़ा, फोर्थ क्लास 1 साल पढ़ा, समझ रहे हो? 25 साल आप सिर्फ पढ़ रहे हो, किसके लिए? सिर्फ इस दिन के लिए जो यहां भी पढ़ रहे हो। सर एक बार जस्ट बता दीजिए कहां तक पहुंचे हम, दिमाग बंद हो गया। मतलब समझा नहीं मैं क्या पूछना चाह रहे हो, कहां तक पहुंचे, मतलब कहां तक पहुंचे? आप बस मेरी ट्रेन में बैठ जाओ है ना, फिर आप इधर उधर मत देखो कौन सी स्टॉपेज हम लोग पहुंच गए। मैं आपका जब स्टॉपेज आ जाएगा जहां पे आपको उतरना वहां पे मैं उतार दूंगा, ठीक है? आप जैसे एसी ट्रेन में होता है ना, या बस बैठ जाओ, ठीक है? और आपको नहीं दिख रहा बाहर क्या दिख, कहां कौन से स्टॉपेज में हो, बिल्कुल आप मेरे भरोसे रहिए, लेकिन जितना मैं बोलूंगा उतना करिए, ठीक है ना? उसमें आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए कि ट्रांजिट में कहां तक पहुंचे। ट्रांजिट में अगर हम बात करें तो 25% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ट्रांजिट। हमने अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे पढ़ा है, ट्रांजिट को हम लोग 20% कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? बस आप लोग को क्या करना है यार, कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते किसी चीज को, तो हमको कोशिश करनी चाहिए उसके लिए, है ना? ऐसी चीजें आसानी से नहीं मिल जाती हैं, ऐसे ही चीजें आसानी से नहीं मिल जाती, सबको नहीं मिल जाती, हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा। और हार्डवर्क करने में क्या ही है यार, है ना? सबसे अच्छा बताता हूं, मैं जब प्रिपरेशन लाइफ में था ना, जब मैं प्रिपरेशन लाइफ में था, मेरा सबसे बेस्ट मित्र बोलोगे वो क्या था, पानी। मैं एक ऐसे रूम में रहता था जब मैं हॉस्टल में था, अपनी लाइफ में प्रिपरेशन लाइफ में था, तो वहां पे सिंक था एक। क्या था सिंक, पता क्या होता है? बर्तन साफ करने, जहां लोग किचन के बर्तन साफ करते हैं, मतलब उस टाइप का मैंने रूम ही लिया था। कि वहां पे एक क्या था, बेड लगा था साइड में, लाइट वगैरह प्रॉपर थी, खिड़की थी, क्योंकि किचन में थोड़ा रहता है खिड़की टाइप का, तो मुझे किचन ही अलॉट कर दिए थे हॉस्टल में। तो वहां पे क्या था, खिड़की थी बढ़िया, तो मस्त हवा आती थी बढ़िया बढ़िया, एक प्लेटफॉर्म बना था बढ़िया वहां पे, तो वहां पे मस्त पढ़ने में अच्छा मजा आता था, टेबल टाइप का एक अच्छा, है ना? और एक चीज और थी वहां पे क्या, सिंक। उस सिंक का मैंने इतना यूज किया है ना, कैसे यूज किया है, नींद सी आ रही है, अपना मैंने नल चालू कर दिया, मुंडी नीचे कर लिया, पूरा पानी यहाँ फट 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 गिर रहा, मस्त आग बंद करके एंजॉय कर रहा हूँ, मस्त मेरी हेड मसाज हो रही है पानी के द्वारा, रात को 2-2 3-3 बजे तक, कभी भी नींद जैसा लगा तो सो रहा, मुझे सोना है, मैं आके आग बंद कर लिया, नल चालू कर लिया, सिंक में मस्त पानी जा रहा है, 5 मिनट ऐसा फ्रेश फील होता था मेरे को, पूरा सिचुएशन पूरा गया, गायब हो गया, इतना मूड होता था ना। मैं मेरे को एक ऑयली स्किन की दिक्कत थी, मेरा फेस जो था ना बहुत ऑयली रहता था, 2-3 बार डॉक्टर को भी दिखाया बत्रा को कि बहुत ऑयली है, पिंपल वगैरह होते हैं, उस एज की बात कर रहा हूँ मैं, उस एज में रहता था कि हमको गोरा दिखना है, हमको पिंपल नहीं होने चाहिए, हमको वो नहीं होना चाहिए, लोग देखते हैं ये वो दुनियादारी जो भी है। तो मैं भी गया डॉक्टर बत्रा के पास, तो उससे आराम नहीं मिला क्योंकि मेरी ऑयली स्किन थी, है ना? लेकिन मैं इतनी बार मुंह धुला हूं ना मैं अपनी प्रिपरेशन फेज में इतनी बार मुंह धुला हूं कि अगर मुझे नींद आ रही है तो हर आधे घंटे में मुंह धुलता था मैं। बाजू में सिंक थी, कोई दिक्कत ही नहीं, चालू किया मुंह धुला, फिर चालू किया मुंह धुला, 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर नींद, फिर मुंह धुल लिया मैंने। तो हर एक चीज में दिक्कत जाती है, अगर मैं उसी टाइम पे नींद आ रही, रोड लेट जाते हैं, कल सुबह पढ़ेंगे, तो हो गया ना। जिसने लाइफ में कल बोला है उसको जिंदगी ने कल बोला है, जिसने अपनी लाइफ में कल बोला कि मैं कल पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, लाइफ भी उसको अभी ऐसी मजा रही, तेरा सिलेक्शन करवाता हूँ, रुक तो, तेरे को बाद में पढ़ना है, कोई बात नहीं, मैं तेरा सिलेक्शन दिलवाता हूँ, बाद में करवाऊंगा, सिलेक्शन पक्का करवाऊंगा। पर आप जब कोई चीज छोड़ते हो तो क्या बोलते हो, यही बोलते हो ना कि सर आज नहीं कल पक्का पढ़ लूंगा, कल पक्का पढ़ूंगा मैं। वैसे ही आपकी लाइफ भी आपसे ही बोलती है, सिलेक्शन पक्का होगा, लेकिन कल होगा, कल पक्का सिलेक्शन होगा। बस उसी तरीके से आप लोग प्रिपरेशन फेज में आलसीपन हटा दो, आलसीपन हटा दो, आलस नहीं होना चाहिए, आलस हम लोग को सूट करता है जो हम लोग प्रिपरेशन फेज से निकल चुके हैं, है ना? आप लोग प्रिपरेशन फेज में हो, प्रिपरेशन फेज में आलस पर का यूज नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, अगर पढ़ना है तो, अगर नहीं पढ़ना है तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत बड़ी लाइफ है भाई। आप देखो ना बिना एग्जाम निकाले लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, वहां भी कर सकते हो,
लेकिन कुछ भी करना है उसके लिए मेहनत चाहिए। पढ़ाई के थ्रू सक्सेस पाना है, एग्जाम के थ्रू सक्सेस पाना है आपको लाइफ में, तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ा जाता तो वो काम कर लो जिससे आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन सर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी हर जगह। दोनों दोनों काम मत करिएगा। चलिए मैं अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ आज के लिए। मैं क्वेश्चन मुझे और सॉल्व करवाना था, लेकिन बच्चे आज थोड़ा एबसेंट है, हाँ, तो उनको ध्यान में रखते हुए कि उनका नुकसान ना हो, मैं अपनी क्लास को यहीं पे आज खत्म करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।